हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीआई ऑनलाइन क्लास क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। वी आर कंटिन्यू डिस्कस चैप्टर सेकंड। टुडे वी आर डिस्कस एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर सेकंड। इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। आपको बिना डायरेक्ट मल्टीप्लाई करे आइडेंटिटी यूज करके करना है। तो फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 103 मल्टीप्लाई 107, जैसे कि इससे पहले हमने कुछ आइडेंटिटीज डिस्कस की थी उनको यूज करके करना है। अब जैसे 103 को आप कैसे राइट कर सकते हो, किसके नियर अबाउट है ये 100 की, तो 100 प्लस 3 लिख सकते हैं इसको। मल्टीप्लाई 107 को 100 प्लस 7 राइट कर सकते हैं हम। तो इसमें जो आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं वो कौन सी है, एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी। जब इसको ओपन करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए। अब कंपेरिजन करते हैं गिवन आइडेंटिटी से, वैल्यू ऑफ एक्स किसके इक्वल है 100 के, एक्स इक्वल टू 100 एंड वैल्यू ऑफ ए 3 के इक्वल है। ए की वैल्यू क्या होगी 3 और बी की वैल्यू क्या है 7। अब जो ये हमारे पास एक्स ए एंड बी जो वैल्यूज है उनको हम आइडेंटिटी में एज इट इज पुट कर देंगे। तो पुट करने पे क्या आएगा 100 प्लस ए, ए मीन्स 3, 100 प्लस वैल्यू ऑफ बी इज 7 इज इक्वल टू 100 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मीन्स 100 स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इट मीन्स 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई 100 प्लस ए बी, ए मल्टीप्लाई बी इट मीन्स 3 मल्टीप्लाई 7। अब इसे सिंप्लीफाई कर दें। देखो ये तो क्वेश्चन बन गया हमारा 100 प्लस 3, इसको एज इट इज राइट कर दो 103 मल्टीप्लाई 107 और जो ये इक्वल होगा ये हमारा सॉल्यूशन होगा 100 स्क्वायर 100 मल्टीप्लाई 100 100 मल्टीप्लाई 100 1 के साथ 4 टाइम्स 0, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई ऐसे होता है उतने टाइम्स 0 हम रिपीट कर देते हैं। 10,000 100 का स्क्वायर क्या आया हमारे पास 10,000 प्लस 3 प्लस 7 10, 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 प्लस 3 7 जब 20। अब प्लस करेंगे, देखिए रफ में प्लस कर देते हैं 10,000 1000 एंड 20 1201 आंसर इज 1102 दैट इज। ऐसे सेकंड क्वेश्चन को अटेंड करते हैं 95 मल्टीप्लाई 96। अब 95 को आप क्या राइट कर सकते हो 100 माइनस 5 मल्टीप्लाई 100 माइनस 4 96 को हमने राइट किया। अब देखिए जो आपको पॉजिटिव अगर आइडेंटिटी याद है x प्लस ए एक्स प्लस बी अगर ये याद है तो जस्ट इसी में आपको ए की वैल्यू क्या माइनस की रखनी है और बी क्या माइनस की। तो आपके पास आइडेंटिटी क्या बनेगी, देखिए राइट करते हैं एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस बी। हमें ए की जगह नेगेटिव ए पुट करना है और बी की जगह नेगेटिव बी इसमें पुट करना है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी माइनस कॉमन लिया तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, हो जाएगा ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई माइनस बी माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा ए। तो हमारे पास आइडेंटिटी बनी एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी किसके इक्वल होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए बी। अब वैल्यूज कंपेरिजन करके वैल्यूज निकालते हैं हम, देखिए एक्स इक्वल टू क्या हो गया 100 एंड ए इक्वल टू क्या हो गया 5 एंड बी इक्वल टू 4। आइडेंटिटी में पुट करते हैं एक्स की वैल्यू ए की वैल्यू है बी की वैल्यू, तो यहाँ पुट करते हैं क्या आ जाएगा हमारे पास 100 माइनस 5 100 माइनस 4 इज इक्वल टू 100 स्क्वायर माइनस 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई 100 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये तो हमारा क्वेश्चन ही बन जाएगा। ये 95
मल्टीप्लाई 100 माइनस 4 मींस 96 इक्वल टू 100 के स्क्वायर अभी चेक किया था हमने 10,000 होता है माइनस 4 प्लस 9 और 100 से मल्टीप्लाई करने पर 900 प्लस 5 4 जब 20। अब देखिए ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव 10,000 में 20 ऐड करेंगे 10,000 में 20 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 10,020 हो जाएगा। अब इसमें से क्या माइनस कर दो 900 माइनस कर 0 0 तो 10 में से 9 माइनस करेंगे 1 और ये 9 तो आ जाएगा हमारे पास आंसर 9120 दैट इज आंसर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सपेंड एक्स प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। सुटेबल आइडेंटिटीज मीन फॉर्मूला हमें यूज करके करना है इसे सॉल्व। जैसे कि हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। इससे पहले हमने डिस्कस की थी आइडेंटिटी तो इसी को अप्लाई करना है इसमें। तो देखिए जो गिवन क्वेश्चन है x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर ये किसके ऊपर होगा x स्क्वायर मींस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर में 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर जेड की वैल्यू 4z है यहाँ पर तो 4z स्क्वायर प्लस 2x वाई तो वाई प्लस 2yz इसके अकॉर्डिंग ओपन कर रहे हैं 2yz प्लस 2zx। ओके आइडेंटिटी हमने x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर ये यूज की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब इसी के अकॉर्डिंग गिवन क्वेश्चन को हमने ओपन कर दी इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। अब इसे सिंपलीफाई कर देते हैं x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y मल्टीप्लाई 2y इट मींस 4 y स्क्वायर प्लस 4z मल्टीप्लाई 4z इट मींस 4 4 जा 16 z स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 x y प्लस 2 2 जा 4 4 4 जा 16 y z प्लस 2 4 जा 8 z x दैट इज आंसर। तो ये आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमें इसे सिंपलीफाई करना है।